नारा लगाते हुए मार्च पास्ट होगी, ठीक है, सबकी, हाँ, कैप्टन एल्विस की जय हो का नारा, कैप्टन एल्विस की जय हो, कैप्टन एल्विस की जय हो। तीसरा है बजर, चारे पे चलता है, चिट्ठी खा गई मेरी, तो आया है। आज इस घर में एल्विस की डिक्टेटरशिप चलेगी, एल्विस इस घर पे तानाशाही चलाएंगे और अपनी मन मर्जी से घर वालों को कुछ भी ऑर्डर्स देकर उनको पूरा करने को कहते रहेंगे। एल्विस एक क्रूर, डेविलिश और स्ट्रिक्ट डिक्टेटर है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और घर वालों से अच्छी तरह और पूरा काम करवाते हैं। गार्डन एरिया में एल्विस का थ्रोन भी रखा है। वाह। आज घर में तीन टाइप्स के अलार्म बजे, ट्रम्पेट, थ्रोन एज अ डिक्टेटर, हर बार ट्रम्पेट की आवाज आने पर, ट्रम्पेट, हर बार ट्रम्पेट की आवाज आने पर सभी घर वाले गार्डन एरिया में एल्विस के थ्रोन के सामने एकत्रित हो जाएंगे। तब एल्विस घर वालों की क्लास लेते हुए उन्हें घर के कामों को लेकर उनकी गलतियां बताएंगे और सुधार जाने की वार्निंग देंगे, सुधर जाने की वार्निंग देंगे। विसल, हर बार विसल की आवाज आने पर आप सभी एल्विस के थ्रोन के सामने एकत्रित हो जाएंगे और कैप्टन एल्विस की जय हो का नारा लगाते हुए मार्च पास्ट करते हुए गार्डन के दो राउंड्स लगाएंगे। अरे वाह यार, क्या करते हुए? कैप्टन एल्विस की जय हो का नारा लगाते हुए मार्च पास करते हुए गार्डन के दो राउंड्स लगाएंगे। बजर, बजर की आवाज आने पर आप सभी एल्विस के थ्रोन के सामने एकत्रित हो जाएंगे और एल्विस उस एक सदस्य के नाम की घोषणा करेंगे जिसे वो वीडियो ऑफ शेम के लिए चुनना चाहेंगे। एक सेकंड वापस। और एल्विस उस एक सदस्य का नाम की घोषणा करेंगे जिसे वो वीडियो ऑफ शेम के लिए चुनना चाहेंगे। वो सदस्य फिर बिग बॉस साइन के सामने मौजूद कुर्सी पर हेडफोन पहनकर बैठ जाएगा। इसके बाद वो सदस्य सामने लिखे एल्विस की महानता भरे शब्द जोर से पढ़ेगा और फिर उसके बाद वो अपनी खुद की बुराइयां करेगा। जुबान उसकी होगी लेकिन शब्द एल्विस के होंगे क्योंकि उसके हेडफोन्स में आवाज होगी एल्विस की। एल्विस अपनी कुर्सी पर बैठे उस सदस्य को बताते रहेंगे कि उसे क्या बोलना है। हेडफोन्स पहना हुआ वो सदस्य उन्हीं शब्दों को दोहराएगा। आपके खुद की बुराई करते ये वीडियो सीधे सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएंगे और हमेशा के लिए वहां दर्ज हो जाएंगे। आज एल्विस की हर फरमाइश, हर ऑर्डर को पूरा करना घर वालों का काम है क्योंकि एल्विस इस घर और यहां मौजूद घर वालों का कंट्रोल अपने हाथों में ले चुके हैं। एल्विस के पास भी पूरा मौका है खुद को अच्छा तानाशाह साबित कर इस घर की कैप्टनसी को अपने नाम कर लेने का। तो एल्विस के राज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपने गले में बैंड्स पहन लें, ये कार्य अब शुरू होता है। गुड लक बिग बॉस। कुकिंग पार्टनर सिल्वर कॉइन चक्की आटा। डिक्टेटर मैं बोलूं? बेबिका जी बोले या नहीं? बेबिका जी जी बोलिए। वैसे डिक्टेटर हाय गुड्डा। प्लीज गाइस बिहेव। बेबिका जी आप बेबिका जी आप खाना बहुत ज्यादा बनाती हैं जी। मुझे ऐसा लगता है कि वो फूड वेस्ट हो रहा है। ओके तो उस पर प्लीज ध्यान दें। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई और खाना बना रहा कुछ अच्छा तो आप भी घुसते हैं कि मैं भी बनाऊं सेम चीज और ईंट पत्थर बना देते हो जो कि वेस्ट है जी। तो एक ये चीज। तीसरी चीज जब कोई गाना गा रहा होता है तो उसके बीच में नहीं आते हैं, सुरताल खराब होते हैं जी बिल्कुल। चौथी चीज लगातार नहीं गाते हैं। कान है सबके यहाँ पे दो ही है। पांचवी चीज। इतनी सारी चीजें हैं मैं याद कर रहा हूँ। पांचवी चीज तो कुछ नहीं। ऑल गुड थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है आप ज्यादा टाइम अपना एक कोने में व्यतीत करते हैं तो आपको भी अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। मुझे जैसा पता है कि आपकी थोड़ा चलें फिरें घूमें फिरें एक्सरसाइज करें थोड़ा उनको भी समय दे हमें भी समय दें और लोग भी यहीं करते हैं।
बातचीत करने को। देखो नाम दे दिया समय भी दे देंगे। डिक्टेटर कुछ भी करे, देखो नाम दे दिया समय भी दे देंगे। और बोलो गुड्डा, नाइस नेम। और मनीषा जी, मनीषा जी तो चलो कैप्टन थी। और अभिषेक जी, चारा एक तरफ। बर्तन वर्तन किसी को इंसानियत भी देखो, है ना, देखनी चाहिए। किसी की कमर दुखती है उधर, कमर दबाता भी हूं मैं, तो इतने बर्तन ना धुलवाएं। कटोरी खा के कहीं रखा है कुछ तो वापस जाओ खुद, ऐसे नहीं असिस्टेंट करो। और जो चिकनाहट आज आपने देखी थी वो आपकी प्लेट में ही थी, मेरे साथ ये होती है चेक करने के लिए। तो बिग बॉस मुझे इन्हीं लोगों को समझाना था काम का, समझा दिया, वार्निंग दे दी है, दोबारा रिपीट ना हो, चल फिर लिया करो। बर्तन नहीं सोएगा अब? नहीं। अविनाश जी को आप कुछ समझाना नहीं चाहेंगे? अच्छा हाँ रुको। मुझे दिखे ही नहीं। अरे हाँ यार, आज अच्छे से बात कर ली, मैं भूल गया यार अपना कुछ है। अविनाश जी, जी मुझे ऐसा लगता है कि जी आप जो झाड़ू मारते हैं जी, वो थोड़ी और अच्छे से भी मारी जा सकती है। जी नहीं मारते, झुक के नहीं मारते, आपकी कमर थोड़ी डिग्री होनी चाहिए। ये वाली झाड़ू में मार ही नहीं रहा था, जैड मार रहा था। जब मारो तब। और आप मार रहे थे? हाँ तो मेरी अच्छी थी। दूसरी चीज, जब जब मैंने देखा आपको, कैप्टन साहब ने बोला कि ये कर लो वो कर लो, तो कर लिया करो। कर लिया था आपने, लेट करा आपने, जिद करी कि नहीं मैं क्यों करूं, कर लिया मैंने, वो इतना ही होता है, हमसे इतना ही होता है। तो वो वाला एटीट्यूड मेरे हिसाब से आपको चेंज करने का नीड है। Oh. सब फैमिली है, आपने मेरे को प्यार से बोला, मैंने प्यार से माना जी, आपको भी ऐसे उसने प्यार से बोला, तो चलो प्यार से नहीं बोला था ना, सबका अलग अलग टोन है। इतना ही था बिग बॉस, मैंने समझा दिया सबको, वार्निंग दे दी। कुछ इंग्लिश में भी जैद को समझा दो यार, ये सब बढ़िया कर रहा। You are too good. मुझे पता कहाँ चढ़ना। मत बोलवाओ। कुछ तो। Do less gym. Do less. You should do more. Dictator हूँ मैं, कर लूँगा। I should take care of you. Thanks man. Thanks man. समझा दिया बिग बॉस।